हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक साइंस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। क्लास 5 की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसको वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, और प्लस हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। और मैं उसका आपको जस्ट ओवरऑल व्यू दे दूँगी, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और प्लस आप सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में भी रख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज चेंजेस अराउंड अस। क्या नाम है चैप्टर का? नाम चेंजेस अराउंड अस। जस्ट थिंक कि आपके पास कोई मैजिकल पावर होती चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ों को चेंज करते? ठीक है, चेंजेस अराउंड अस है, तो आप किन किन चीज़ों को चेंज करना चाहते वो आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी की नाक बड़ी करना चाहते, आप सोचते कि मैं सोते सोते ही पूरा पूरे दिन ही सोते रहूं और हवा में उड़ने लग जाऊं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। हमारे पास मैजिकल पास नहीं है, बट स्टिल हम कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? आप जब अपने सराउंडिंग में चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगी कि जैसे खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसमें जो क्रॉप्स होती हैं, खेती होती है, वो क्या करती है, वो टाइम टू टाइम चेंजेस हो जाती है। लाइक ट्रीज से क्या करती हैं, लीव्स गिरती हैं, कुछ कलर्स जो होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, सूखने पर क्या हो जाता है, उनके कलर चेंजेस हो जाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम्स एंड देन विदर अवे, जो फूल होते हैं वो खिलते हैं और फिर झड़ भी जाते हैं। जो हमारे नेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, हेयर्स ग्रो करते हैं, हम टॉल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो टाइम टू टाइम हमारे सराउंडिंग में क्या करते हैं, चेंज होते हैं। सो हम इन चेंजेस को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, मतलब इनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? तो हम कोई भी चीज़ अगर हमें कैटेगराइज करने के लिए बोली जाती है, बांटने के लिए बोली जाती है, तो हम उसमें क्या कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि जिससे हम कि लाइक इसमें सेम क्वालिटीज़ हैं, तो हम इनको एक जगह कैटेगराइज़ करते हैं, और इसमें ये चीज़ें सेम है, तो हम इसको एक ग्रुप में कैटेगराइज़ करते हैं। ठीक है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कि क्या सारे चेंजेस क्या होते हैं, वो रिवर्स्ड होते हैं? मतलब रिवर्स का मतलब होता है वापस से उसी स्टेट में हम उसे ला सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको रीड आउट करके ही आपको हाईलाइटेड चीज़ों को करके आपको समझा रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, प्लस आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें हम बैलून को क्या कर रहे हैं, फुला रहे हैं, और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो ये बैलून है ये बर्स्ट ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें एयर एस्केप करेंगे, एयर इन जाएगी तो ये, और जैसे ही आप कि इसमें से एयर निकल जाएगी तो ये क्या करेगा, वापस से इसी शेप में आ जाएगा। और सेकंड एक्टिविटी में है कि आप अगर एक एरोप्लेन बनाते हैं इस पीस ऑफ पेपर का तो क्या होगा, और सेकंड में आपको एक डफ लेना है, मतलब आटा लेना है, और उसकी क्या करनी है, एक रोटी बनानी है रोल बना के। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो है क्या शेप चेंज हो गई, एरोप्लेन बनाया तब भी इसकी क्या हुई, शेप चेंज हो गई। एंड इसमें था आपका कि बेलून आपने जब इसको फुलाया तो इसकी क्या है, शेप चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 3 चेंजेस के बारे में, 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू देखा, वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बेलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। कि क्या ये पॉसिबल है कि हम बेलून को वापस से उसके ओरिजिनल शेप और साइज़ में कन्वर्ट कर सकें, और पेपर का जो साइज़ था कि क्या वो अभी पहले के जैसा है, एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन क्या चेंज हो रहा है? तो येस, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। और वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन? और जो हमने डफ लिया था, आटे की जो ये मंडा हुआ लिया था, तो क्या हम रोटी बनाने के बाद इसको वापस से ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं? तो येस, इट मीन्स द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। इसका मतलब जो जो हमने अभी एक्टिविटीज़ की वो सारे चेंजेस क्या हैं, हमारे रिवर्स्ड हैं, हम वापस से उसी फॉर्म में इनको ले जा सकते हैं। यहाँ पे है आपको क्या करना है, अब वो जो हमने बेलून को फुलाया था उसी को क्या करना है, उसको प्रिक करना है।
मतलब उसमें पेंसिल चुबा के उसको फोड़ना है, तो क्या करेंगे वो, उप्स इट्स बर्स्ट, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। सेम चीज़ है कि हम इस एक्टिविटी को लाइक हमने प्लेन बनाया और उसको कट कर दिया, यहाँ पे हमने रोटी बनाई पर इसको हमने तवे पे बेक कर दिया, सेक दिया। तो इन एक्टिविटीज़ से, एक्टिविटी नंबर 4, 5 और 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो चेंजेस है ये हमारे रिवर्स नहीं है, हम इसको वापस से उसी पहले की स्टेट में नहीं ला सकते। कि जैसे अगर हमने अभी ये रोटी सेक दिया तो क्या हम इससे वापस से कच्चा आटा बना सकते? नहीं बना सकते। बैलून हमारा फूट गया तो हम उसको वापस से ठीक तो नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स्ड नहीं है, जो रिवर्सिबल नहीं है। अब जब आप पॉटर को देखते हैं, मिट्टी बना बर्तन बनाने वाले को, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो क्या करते हैं, शेप इट, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इंटू अ पॉट। वो क्या करेगा, जो मिट्टी होती है उसको पॉट में कन्वर्ट करता है। तो जो पहले तो वो लंप्स से क्या करेगा, क्ले से पहले उसको पॉट की शेप देगा और उसके बाद उसको वो क्या करेगा, बेक करता है अवन में। तो क्या बेक करने के बाद वो वापस से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब तक वो मिट्टी कच्ची है तब तक हम उसे नॉर्मल लम्प्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही वो उसको बेक कर लेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उसके जब बेक करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन चेंजेस दिए हैं, लाइक रॉ एग को अगर आप बॉईल करते हैं तो आप क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ दी हैं तो आप इसे कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, कि क्या कोई और तरीका है चीज़ों को चेंज करने का? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये फावड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और ये चीज़ें आपको दी हुई हैं कि ये जो है आयरन के ब्लेड के क्या टूल्स दिए हैं। जब हम ये जो हैंडल है इसका, इसमें जब हम इसे इस वुडन के हैंडल को फंसाते हैं आयरन के ब्लेड में, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कम साइज़ का ही रखा जाता है आयरन ब्लेड, तो इसमें प्रॉपर से लकड़ी को फिट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, ये आयरन को हम मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं हीट करके इसको हल्का सा, ताकि ये क्या करे, एक्सपेंड करे। टू फिक्स द हैंडल, जब आप इसे पढ़ेंगे तो वही है, द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। रिंग क्या होती है, थोड़े छोटे साइज की होती है देन द वुडन हैंडल, वुडन हैंडल के कंपेयर में। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। हमें रिंग को फिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हल्का सा गर्म करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इसका जो साइज़ होता है किसका, आयरन ब्लेड का, एक्सपेंड कर जाता है, और ताकि जो रिंग होती है वो इजली इसमें फिट कर पाए। ये जो वुडन का ब्लॉक है इसमें जो रिंग है यह इजली फिट हो जाए। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और जैसे ही ये ठंडा होता है तो ये क्या करता है, कूल करता है आयरन, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जब हमने आयरन ब्लेड को गर्म किया तो वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, गर्म करने पे क्या करेगा, आयरन एक्सपेंड करेगा, और कूल करने पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, इज़ दैट क्लियर टू एवरी वन? यस। तो सच अ चेंजेस इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। सेम चेंजेस हम किया जाता है जब भी हम इस आयरन के जो ये जब ये वुडन के व्हील पर हम इस मेटल की रिम को फिक्स करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मेटल की रिम को थोड़ा हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि जब ये गर्म हो जाए तो ये एक्सपेंड करेगा और इस पर क्या करेगा, ईजिली फिट हो जाएगा इस कार्ट के व्हील पर, ठीक है। तो देट मीन्स क्या, गर्म करने पे चीज़ें एक्सपेंड कर रही हैं, जो मेटल की चीज़ें हैं आयरन है जैसे, और कूल करने पे वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, वाटर जो था क्या कर रहा था, वेपर कर रहा था, जिसमें हमने एक एक्टिविटी की थी कि केतली में जो है हमने कुछ गर्म पानी रखा था और उसके ऊपर उस प्लेट पे हमने आइस क्यूब्स रखे थे, तो वो मेल्ट करेगा। तो हम नोटिस करेंगे कि जैसे ही जो आइस है उस पे हीट लगेगी तो वो क्या करेगी, मेल्ट होने लगेगी। दैट मीन्स वाटर में चेंजेस आने लगे, वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। इज़ दैट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आइस को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकें? सो यस, वी कैन चेंज चेंज इट बैक। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेक सम टूल्स, हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंजेस
अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट